लेकिन अभी जो है मुझे आपको कुछ सच्चाई बतानी है। जितने भी ऑनलाइन ये भी स्टोर होते हैं ना, अमेज़ॉन वगैरह है, मीशो है, और फिर हमारा फूड के लिए जोमेटो है, स्विगी है, उनकी मुझे एक आपको स्टोरी बतानी है। मैं बताऊंगा आगे, ज़रा नाश्ता कर लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 8 फरवरी शायद। तो आज है 8 फरवरी, बच्चे कोई घर पे है नहीं, जैफा गया ट्यूशन, रुहामन में अपने घर पे हैं, मैं अकेले हूँ, दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है, बाल भी बहुत बड़े हो गए, तो वहाँ जा रहा हूँ बाल दाढ़ी कटवाने। तो सोचा आप लोग को दिखाऊँ कि मैं कहाँ से कटवाता हूँ। चलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। धूप जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकली है, मतलब गर्मी का एहसास हो रहा है, लग रहा है ऐसे गर्मियाँ वापस आ गई हैं, जबकि आज 8 फरवरी है, सिर्फ फरवरी की शुरुआत हुई है और गर्मियाँ ऐसा लग रहा है कि वापस आ गई हैं, लेकिन होली के बाद असली गर्मी आएगी। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा था धूप कितनी निकली, मैं तो जा रहा हूँ दाढ़ी बनवाने, तो दाढ़ी बनवाने चलते हैं, थोड़ा सा कटवट करवाते हैं, बहुत बड़ी हो रही है, बाल भी थोड़े कटवा लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये देखिए अपना रूपम, और इधर ये अपना तलाक महल। चलो चलते हैं। तो फाइनली अपनी लिफ्ट में जो है वो कैमरा भी लग गया है, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में दिखाया था, ये जो लिफ्ट में लोग थूक देते हैं, तो वो चेक करने के लिए कि आखिर कौन है वो लोग। अच्छा, ज़ीरो तो दबा दूँ। तो चलिए चलते हैं, मस्त कैमरा लग गया है, मैं भी इसमें आ रहा हूँ, दाढ़ी बनाते चलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए अपने सलून में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। अब भीड़ में मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको लगता है मेरी वीडियो बना रहा है, तो भाई इसलिए मैं व्लॉग में वीडियो बनाते ही नहीं हूँ बेकनगंज की। तो लेकिन जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा चुपके से कि देखिए कितनी भीड़ है। तो 10 मिनट लगे मुझे यहाँ तक आने में, जबकि मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर है, इतना दूर है बस। तो चलो अभी बाल बनवाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो बाल और दाढ़ी तो बन गई अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सी मसाज करवा लूँ सर पर। तो अभी कराएंगे सर पे मसाज, पलक ढूंढ रहे हैं भैया, सॉकेट नहीं मिल रहा है, फ़ोन आ गया किसी का। तो चलो ये भैया हमारी मसाज करेंगे, फिर मसाज करवा के फिर आपसे मिलता है। बेकनगंज में हमेशा भीड़, ये मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ ब्लॉग में, लेकिन सच में यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि पैदल भी निकलने की जगह नहीं है। दाढ़ी बनवाने में आया था दोपहर में और जा रहा हूँ वापस रात में। चलिए घर चल के मिलते हैं आपसे। तो अभी घर आ गए हैं, हो गया चाय का वक्त, शाम की चाय बन रही है, चीनी डल रही है अभी, और मम्मी को सुन रही है अपना बयान। आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊं कुछ खाने के लिए, तो सब्जी तो ऑलरेडी कटी के रखी है, खुल नहीं रही है, और आलू रखे हैं, तो मैं बनाऊंगा आज खाना। ज़ैफ़ा भी गया कोचिंग, अभी तक आया ही नहीं है यार। और ये देखो मेरा लुक आया है फाइनल, दाढ़ी बाल करवा के, लेकिन मैंने जो मसाज कराई हेड वाली वो बहुत ही बढ़िया थी, और बहुत ही सस्ती मसाज थी, और मशीन से उसने करी है, फिर हाथ से भी करी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार थी। दोबारा जाऊँगा तो वो मसाज ज़रूर करवाऊँगा। तो अभी चलते हैं चाय पीने, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हो गया है अभी नेक्स्ट डे, नमाज़ पढ़ के मैं जस्ट अभी उठा हूँ, मैंने सोचा आप सबके लिए वीडियो बना लूँ। तो क्या हो गया कि इल्मा रुहामा घर पे है नहीं, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्लॉग में क्या बनाए, और अकेले मैं ही दिखाऊँ ब्लॉग में। लेकिन अभी जो है मुझे आपको कुछ सच्चाई बतानी है। जितने भी ऑनलाइन ये भी स्टोर होते हैं ना, अमेज़ॉन वगैरह है, मीशो है, और फिर हमारा फूड के लिए जोमेटो है, स्विगी है, उनकी मुझे एक आपको स्टोरी बतानी है। मैं बताऊँगा आगे, ज़रा नाश्ता कर लूँ, और नाश्ता करके फिर आपको मिलता हूँ, और फिर आपको वो स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये लोग एक्चुअली करते क्या हैं। तो बताता हूँ आपको नाश्ते के बाद। तो मैं पलट रहा हूँ अंडा, जो कि हो गया फेल, नहीं पलट पाया, अब पलट दिया हमने, बेकार बिखरा के पराठे रेडी हो गए। इधर क्या रेडी हो रहा है, चावल रोटी, इसमें क्या है, खाली है। नाश्ता हो जाए मेरा, फिर आपको बताता हूँ अमेज़ॉन वाली स्टोरी। हाँ, तो नाश्ता करके अभी मैं आ गया हूँ। तो अमेज़ॉन की मुझे आपको स्टोरी बतानी थी कि कल मेरा जो है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मेरा एक पार्सल आया था अमेज़ॉन से, मैंने ऑर्डर किए थे, ये पोस्टर जो पीछे लगे आप देख रहे हैं, मैंने ये ऑर्डर किए थे, तो उसका कॉल आता है मेरे पास कि भैया आपका पार्सल आ गया है और मैं इस जगह पर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ और आप आके पार्सल मुझे दे दो। तो उसने बोला भैया आपका घर जो है वो 5वें फ्लोर पर है, मतलब मेरे क्योंकि फ्लैट नंबर 501 लिखा था। हाँ, मैंने कहा तो क्या हुआ, 501 मेरा फ्लैट नंबर है, तो मैंने लिखा उस पर आप एड्रेस पे आइए और डिलीवरी करके जाइए। तो उसने पता है क्या बोला बंदे ने,
उसने बोला कि भैया मैं नीचे खड़ा हूँ, आप यहाँ से आके पार्सल को रिसीव कर लीजिए। मतलब होम डिलीवरी के लिए मैंने उसको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हम पे करते हैं ऐप से, अमेजोन पे आप अगर खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें फ्री डिलीवरी नहीं होती है, उसमें हमें डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो डिलीवरी चार्जेस अगर हम पे करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप हमारे घर आएँ और घर आके वो जो भी पैकेज हमने उसको ऑर्डर किया उसको डिलीवर करें। तो उसने क्या किया कि नीचे बोल दिया भैया मैं नीचे हूँ, आप आके यहाँ रिसीव कर लो। तो ये इतना ज़्यादा गलत लगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला भैया ऐसा है कि पाँचवें फ्लोर पर हम रहते हैं, हमारे यहाँ लिफ्ट लगी है। तो उसने बोला अच्छा लिफ्ट लगी है तो मैं आ जाता हूँ। तो मतलब लिफ्ट थी तो आ गया, अदरवाइज अगर लिफ्ट नहीं होती मेरी बिल्डिंग में या और भी ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स है जिनका घर चौथे फ्लोर पे या पांचवें फ्लोर पे होता है और लिफ्ट नहीं होती है, तो वहां पे ये डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ उसने मना कर दिया था जब तक मैंने उसको ये नहीं बोला कि हमारे यहाँ लिफ्ट लगी है। अब मैं बताता हूँ आपको स्विगी का एक किस्सा। अभी लास्ट आपने देखा होगा इल्मा जो है वो पिज्ज़ा जो है रिसीव कर रही थी, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया स्विगी ऐप से मैकडॉनल्ड स्वरूप नगर में, मैं रहता हूँ बेकनगंज कानपुर में। तो सब कुछ हो गया, ऑर्डर मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया मैंने, सब कुछ हो गया, ऑर्डर हो गया। वो बंदा आता है मुझे कॉल करता है, कहता है भाई मैं रहमानी मार्केट पे खड़ा हूँ, आपका एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा भाई हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें एड्रेस पूरा मेंशन होता है। तो उसने बोला भाई मुझे आपका घर मिल नहीं रहा, आप रहमानी मार्केट आके अपना पिज़्ज़ा रिसीव कर लो। उसको ये बताओ कोई कि वही बात होगी कि अगर हमें पिज्ज़ा बाहर जाके रिसीव करके खाना होगा तो हम फिर मैकडॉनल्ड में जाके या फिर सॉरी हम डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाएंगे भाई, हम घर पे क्यों ऑर्डर करेंगे ये बताओ पहले। उसको इतनी तमीज़ नहीं, इतनी समझ नहीं, ये कह रहा है कि आके रिसीव कर लो वहाँ पे। फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं छत पर खड़ा हूँ, आप फ़ोन पर रहिए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर आपको आना है। तो फिर वो आया, आया आते आते मेरे घर के नीचे, उसने मैंने हाथ हिलाया दिखाया उसको कि मैं ऊपर खड़ा हूँ आ जाओ। तो फिर उसका वही रोना गाना चालू हो गया कि भैया आप पांचवें फ्लोर पर है। तो मैंने बोला भैया लिफ्ट लगी है, तो बोलता अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। मतलब ये लोग, इन लोग डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं यार, फिर इनको सारी आराम भी चाहिए, मतलब सारी सब कुछ चाहिए इन्हें और पैसे भी चाहिए डिलीवरी चार्ज के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। मुझे उनका कॉल आता है कि सर रिव्यू दे दीजिए हमको 5 स्टार। हाँ ये भी मुझे बताना था, सर मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दीजिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप रिव्यू मुझसे कैसे मांग सकते हैं, मुझे कितने देने, ये तो मुझ पर डिपेंड करता ना कि मैं कितने रिव्यू दूंगा आपको, 5 स्टार दे दोगे क्या मतलब है भाई। तो पता नहीं कोई लड़की थी, उसने बोला सर मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ उस पर आप क्लिक करना, 5 स्टार आप मुझे दे देना। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, मैं 5 स्टार तो नहीं देने सर, मांगने से तो नहीं दूंगा मैं। और सर्विस इतनी ख़राब थी, मुझे उसने पिज्ज़ा एकदम ठंडा कर दिया, उसने मुझे रोना गाना कर करके कि आप यहाँ से ले लीजिए वहाँ से ले लीजिए, मैं ऊपर नहीं आ सकता, ये वो दुनिया भर के सोच ले। फिर मैंने उसको जब एड्रेस दिखाया अपने फ़ोन में, मैंने कहा ये देखो फ्लैट नंबर 501 फिफ्थ फ्लोर पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा है। तो बंदा शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं बताने के लिए, कोई प्रूफ नहीं था। मैंने उसको प्रूफ उसके फ़ोन में ही दिखा दिया कि भैया प्रॉपर एड्रेस डाला था मैंने, उसके बाद फिर वो चला गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं अमेज़ॉन में और जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, फिर मैं देखता हूँ कि ये मैं ही हूँ या और भी लोग हैं जो ऐसे इनके साथ हो रहा है। तो चलो ये स्टोरी तो खत्म हो गई मेरी, और बाकी जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके बाद अब मैं जब इल्मा रुहामा आ जाएंगे तो व्लॉग बनाऊंगा। तो इसी इसके साथ ये व्लॉग को मैं यही खत्म कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ क्योंकि स्टोरी जो आपने सुनी उसको सुन के आप बोर हो जाएंगे। तो चलो इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग, आराम करो और सिर्फ मेरे व्लॉग देखो। बाय।